आज की इस वीडियो में मैंने कुछ लिस्ट को प्रिपेयर किया है, वो गर्भवती स्त्रियों को ज़रूर लेनी चाहिए अगर उनकी इच्छा है कि उनका जो आने वाला जो संतान है वो बिल्कुल गोरा चिट्टा और उसका कलर काफ़ी निखर के आए। तो आपको इन सारे फूड आइटम को ज़रूर लेना चाहिए और कुछ ऐसे आइटम हैं जिसको स्ट्रिक्टली आपको नो बोलना है, नहीं खाना है। तो स्टार्टिंग करते हैं ये वीडियो, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माई वर्ल्ड केयर पर बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भीगे हुए आलमंड को ज़रूर खाना चाहिए। भीगे हुए आलमंड आपके बच्चे की स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़, आपको मिश्री और सौंफ का नियमित सेवन ज़रूर करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको नियमित दूध का सेवन ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप सुबह में या शाम में या दो टाइम अगर आप मिल्क पीते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप एक टाइम पीना चाहते हैं तो रात की रात आपको मिल्क का सेवन ज़रूर करना चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको केसर का सेवन ज़रूर करना चाहिए। केसर को कितनी मात्रा में लेना है, कैसे खाना है, उसके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया है जो कि मेरे आप वीडियो के लिस्ट में आप देख सकते हैं और उस वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा, पूरी बात ज़रूर समझिएगा। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़, आपको आंवले का सेवन ज़रूर करना चाहिए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट चीज़, आपको गाजर ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए। सेवन्थ इंपॉर्टेंट चीज़, आपको नारियल को किसी न किसी रूप में पूरी प्रेगनेंसी ज़रूर लेते रहना चाहिए। अगर आप नारियल का बूरा खाते हैं, यानी कि जो उसकी जो ड्राई जो पाउडर होती है वो खाते हैं, या कच्चा नारियल खाते हैं, जैसे भी आपको लेना है आपको नारियल को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही साथ एट्थ पॉइंट, आपको वंश लोचन का ज़रूर सेवन करना चाहिए। और नाइन्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वीट ग्रास होती हैं उसका जूस लेना शुरू कर दें। वीट ग्रास का जो जूस होता है उसके अनेकों फायदे होते हैं और इसको आप प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं, इससे बच्चे का कलर काफ़ी अच्छा होता है। बारहवां इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको सनलाइट में ज़रूर एक्सपोजर देना चाहिए। जो स्टार्टिंग की धूप होती है सुबह से 5 बजे के बाद से, जो भी आपकी अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है, जो पहली अर्ली मॉर्निंग जो आपका धूप निकलता है, उस समय कम से कम 30 से लेकर 35 मिनट तक आपको ज़रूर वहाँ पर बैठना चाहिए, क्योंकि अच्छी धूप का सेवन लेने से आपके शरीर में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होती है, उससे बच्चे का कलर भी अच्छा खिल के आता है। वहीं पर अगर मैं 13 इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं तो आपको आपके खाने में जितना हो सके उतना खीर वगैरह का सेवन करना चाहिए, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स है उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। 14 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपने सुना होगा पंचामृत का सेवन करना। पंचामृत जिसमें कि 5 तत्व मिलाए जाते हैं, जैसे कि दूध, दही, शहद और बहुत सारी तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, उसको अगर आप रोज़ के रोज़ अगर आप पीते हैं या वीकली भी अगर आप पीते हैं तो उससे भी आपके बच्चे का जो कलर है काफ़ी उसमें निखार आती है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जिसको आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आपके बच्चे के कलर को दबा सकते हैं और उसका सेवन आपको आपकी प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, उसके बैड एडवर्स इफेक्ट भी आपको देखने मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज़, टी का सेवन, यानी कि अगर आपको चाय की आदत है तो चाय को आपको कम कर देना है, या अगर आप छोड़ सकते हैं तो बिल्कुल चाय को अवॉइड कर दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको कॉफ़ी का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कॉफ़ी भी आपके शरीर के लिए, आपकी प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं होता है, बच्चे का जो कलर है वो खिल के नहीं आता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपको किसी भी तरह के शराब या सिगरेट की अगर आदत लगी हुई है तो उसको भी आपको स्ट्रिक्टली नो बोलना है, नहीं खाना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़, बैगन का सेवन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन बैगन का जो छिलका होता है अगर आप उसको उतार के बैगन की सब्जी खाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा हार्म नहीं है, लेकिन बैगन के छिलके को प्रेगनेंसी में अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। और ये जो सारी बातें हैं एक चरक संहिता जो बुक है उस द्वारा से ली हुई है और ये बातें बहुत हद तक सही हुई हैं। जिन्होंने इसका पालन किया है, जिन्होंने फॉलो किया है, उनको गोरा चिट्टा बच्चा पैदा हुआ है। और चरक संहिता में ये भी बताया गया है कि जो भी महिलाएँ अगर गर्भावस्था के दौरान जंक फूड लेती हैं, कोल्ड ड्रिंक लेती हैं, उनके बच्चे का जो कलर है वो खिल के नहीं आता है और बच्चे के कलर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो चॉइस आपकी है, आपको क्या चूज़ करना है, आप खुद समझदार हैं। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको जो समराइज़ करके बताए हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से इनको ज़रूर टाइम टू टाइम बेसिस पे आपको लेनी चाहिए। पूरी प्रेगनेंसी अगर आप इनका सेवन करते हैं तो आपको एज अ रिज़ल्ट आपके बच्चे का कलर काफ़ी खिल के आता है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो की ज़रूरत जितने भी लोगों को है, पेरेंट्स को है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का मौका ज़रूर दें और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड केयर।